हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंस G120 ड्राइव में फैक्ट्री रीसेट और उसके बाद प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड किस तरह किया जाता है। तो अगर आपके ड्राइव में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है जिसका रेमेडी नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ड्राइव को पहले फैक्ट्री रीसेट करें, उसके बाद एक रनिंग ड्राइव से, एक्टिव ड्राइव से प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है फैक्ट्री रीसेट करने का, तो उसका स्टेप देख लेते हैं। मेन मेन्यू पे जाना है, उसमें जाने के बाद पैरामीटर्स, और उसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज ड्राइव फैक्ट्री रीसेट। ये प्रेस करने के बाद आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, येस एंड नो, तो येस सिलेक्ट करना है और फैक्ट्री रीसेट स्टार्ट होगा। इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। तो प्लीज वेट फॉर 1 to 2 मिनट और ड्राइव इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ट्रिप इंडिकेशन पे आ जाएगा, ट्रिप कंडीशन में आ जाएगा। सो मैसेज आ चुका है, ड्राइव फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइव में जो ओरिजिनल डेटा है, जो ड्राइव का ओरिजिनल रेटिंग है, उसको एक बार कंफर्म करना या फिर क्रॉस चेक कैसे करना है, तो देख लेते हैं। सेम मेन्यू में जाना है, नेक्स्ट पैरामीटर्स, उसके बाद सर्च बाय नंबर। तो रेटिंग या फिर करंट चेक करना है तो 300 जो सीरीज है पैरामीटर उसमें हम लोग जाएंगे। मैं 305 यहाँ पर डाला हूँ, तो वो करंट रेटिंग को दिखाएगा, जो कि मोटर का नेम प्लेट जनरली यहाँ पर फिल करते हैं, और पावर 250 किलोवाट। तो ड्राइव का एक्चुअल रेटिंग ये है, जिसको बाद में चेंज किया जाता है एज पर एप्लीकेशन। अगला स्टेप है हेल्दी ड्राइव से प्रोग्राम को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसका स्टेप भी सेम है। मेन्यू में जाना है, उसके बाद नीचे जो अपलोड एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंस हेल्दी ड्राइव से हमें HMI में प्रोग्राम लेना है, तो अपलोड ड्राइव टू पैनल, जो भी ड्राइव में प्रोग्रामिंग है वो इस पैनल में आ जाएगा, कंट्रोल पैनल में, और पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ टाइम लेगा। स्टार्ट हो चुका है 1%। प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है। सो अपलोड होने के बाद ये मैसेज आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हेल्दी प्रोग्राम हमारे कंट्रोल पैनल में है, डिस्प्ले में है, अब उसको डाउनलोड करते हैं। तो प्रोसीजर सेम है, पहले मेन्यू में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद अपलोड एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है 4th नंबर, उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं डाउनलोड पैनल टू ड्राइव, उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पहला ऑप्शन सिंगल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करना है। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, पैनल टू ड्राइव ऊपर में आप देख सकते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स लेता है टाइम। नाइन्टी होने के बाद ड्राइव का पावर कॉन्टेक्टर एक बार ऑन ऑफ होता है, तो वो साउंड आप ऑब्जर्व करेंगे, और ड्राइव ट्रिप इंडिकेशन पे जाता है। फाइनली 100% कंप्लीट हो चुका है और रिबूट द ड्राइव, तो ड्राइव को फीडर को एक बार ऑफ करके ऑन करें, मेन सप्लाई। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में आप जा सकते हैं, जो भी आपको नेम प्लेट डिटेल मोटर का फिल करना है वो आप चेक कर सकते हैं पैरामीटर में जाके, सर्च बाय नंबर। तो मोटर का जो डिटेल है वो 300
जो पैरामीटर सीरीज है उसमें फिल होता है, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं बस यहाँ पे। करंट रेटिंग है, करंट को आप चेंज कर सकते हैं, करंट पावर आरपीएम। तो ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। लास्टली एस्केप बटन प्रेस करें और मेन डिस्प्ले पे आ जाएं। सो थैंक यू सो मच।